चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल, क्योंकि पिछले वाले प्रैक्टिकल के अंदर अपने ये देखा था कि बल्ब को ऑन कैसे करते हैं नॉर्मली बगैर बोर्ड के, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे उसी प्रैक्टिकल को एक बोर्ड पे करेंगे, जहां आप एक बोर्ड लेंगे और उस बोर्ड के अंदर एक बल्ब और उसका एक पिन, ये नॉर्मली छोटा बोर्ड बनाना सीखेंगे। चलिए बताते हैं, मान लेते हैं कि ये एक बोर्ड है, एक छोटा सा बोर्ड आप ले आए मार्केट से और इसके अंदर आपको दो चीज लगानी है, नॉर्मल एक बल्ब, आपने बल्ब ऊपर लगा दिया और इसके नीचे आपने एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, यह आपका स्विच है, यह आपका स्विच है, यह आपका लैंप। तो इसके पीछे वाली वायरिंग अपने कैसे करें देखते हैं, पीछे वाली वायरिंग, तो इसका मैं प्रारूप यहीं पे आपको लिखा देता हूं कि एक्चुअली में वायरिंग करनी कैसे। आप सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई भी डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे डिवाइस है अपना लैंप, तो ये जो डिवाइस है, ये जो लैंप है, बल्ब है, इसको शुरू होने के लिए दो चीज चाहिए होगी, क्या? एक तो पेज, एक न्यूट्रल, कोई भी जो लोड होता है सिंगल पेज का उसको शुरू होने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक पेज एक न्यूट्रल। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो मेरे दिमाग में आ गई कि ये जो लैंप होगा इसको शुरू होने के लिए फेज और न्यूट्रल दो चीज जैसे इसको मिल जाती है, मेरा ये इस बोर्ड में सप्लाई, मेरा पूरा कनेक्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मैं थोड़ा यहां लाता हूं, इसका बैक वाला पार्ट कैसे करना है। ये मैंने इस लैंप का एक मैंने ड्रॉइंग बना दिया, चलिए इसके मैंने दो तार निकाल दिए, जो पीछे वाले जो टर्मिनल रहते हैं इसके बल्ब के सिरे रहते हैं, वहां पर कौन कौन से वायर लगाने और कैसे लगाने वो देखते हैं। इसका एक बार क्या रहेगा न्यूट्रल, चलिए मान लेते हैं ये वाला भाग है अपना न्यूट्रल, इस बल्ब के दो सिरे लिखने मैंने न्यूट्रल एक फेज, बस मेरे को इतना मालूम करना है कि मुझे फेज और न्यूट्रल दो यहां यहां पे आने चाहिए, यदि ये आ जाते हैं तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा और मेरे सारे के सारे सिरे सही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इतना हम चाहते हैं कि एक फेज और एक न्यूट्रल दिया जाता है, अब कंट्रोलिंग करना है, तो आपका क्या है कि जो स्विच है वो यहां नीचे है, ये आपका स्विच है, इसको मैं नॉर्मली पीछे वाले ड्रॉइंग में जैसे मैंने बनाया था वैसे मैं बनाऊंगा, ये उस किस प्रकार से जिससे कि आपको अच्छा खासा समझ में आ सके, ये अब करना क्या है, स्विच होता है कंट्रोलिंग के लिए और उसको अधिकतर केस में फेज में ही दिया जाता है, यदि आप लगाने को तो न्यूट्रल में भी लगा सकते हैं, बट उसका एक दूसरा कारण है जिस कारण अपन न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं। चलिए ये हो गया आपका स्विच और ये आ गया न्यूट्रल। अब यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो यहां क्या हो रहा है, देखिए ये तो आ गया आपका न्यूट्रल जो ब्लैक वाला वायर है और ये जो लाल वाला वायर है वो आ गया फेज का, जैसे ही इस बोर्ड के दो स्विच आप बाहर निकाल लोगे तो यहां पर न्यूट्रल देते जो डायरेक्टली सीधा कनेक्टेड रहता है बल्ब से, और जो फेज होता है वो इस पहले क्या जाता है, पहले जाता है ये स्विच में, और स्विच के बाद जो स्विच का दूसरा वाला भाग यानी ऊपर वाला जो भाग रहता है उसको अपन क्या करते हैं कि सीधा लेते हैं लैंप को, जिससे क्या है कि आपका जो ये जो वायरिंग है वो पूरी पूरी सही हो जाती है, और आपका जैसे ही आप स्विच यहां से ऑन करते हो, आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है कि ये पट्टी से मिल जाती है और आपका लैंप ऑन हो जाता है, ये मैंने ऑन कर दिया, ये पट्टी से मिल गई तो फेज के बीच अब कोई किस तरह कोई रुकावट नहीं है और फेज यहां से होकर सीधा सीधा सीधे गमन करते हुए इस बल्ब में चल जाता है, और यहां अपने बल्ब की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फेज और न्यूट्रल की, यहां से न्यूट्रल आ रहा होता है, यहां से फेज आ रहा होता है, तो
तो आपका ये जो कनेक्शन है इस बोर्ड का पूरा पूरा सही हो जाता है और यहाँ स्विच ऑन होने पर ये लैंप शुरू हो जाता है। इसका अपन बोर्ड पे प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।